पूर्व में कुम्हारी थाने के थाना प्रभारी रहे केशव राम कोसले ने स्थानांतरण के पश्चात जामुल थाने का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत थाना प्रभारी केशव कोसले ने थाने की स्टाफ की मीटिंग ली। मीटिंग में असामाजिक तत्वों की धरपकड़, सट्टा जुआ कबाड़ जैसे गैर कानूनी कार्यों में संलग्न लोगों की गिरफ्तारी को लेकर थाने के स्टाफ को निर्देश दिए। जामुल थाना प्रभारी केशव राम कोसले ने रात्रिकालीन गश्त की जानकारी ली। गश्त को और अधिक मजबूत बनाने जामुल थाना अंतर्गत सभी क्षेत्रों में रात्रिकालीन गश्त निरंतर जारी रखे जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र के लोगों से रात्रि के समय अनावश्यक रूप से घरों से नहीं निकलने की अपील भी की। जामुल थाना के नव नियुक्त थाना प्रभारी केशव राम कोसले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जामुल क्षेत्र में चलने वाले अवैध गतिविधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा लोगों से आग्रह की जाती है कि कोई भी असामाजिक गतिविधियां कहीं भी संचालित हो तो थाना प्रभारी के थाना फोन नंबर पर फोन करके बताइए, आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी। रात्रिकालीन गश्त को पहले की तुलना में अधिक कर दी जाएगी और लोगों से यही अपील है कि एक निश्चित समय के बाद अपने घरों में रहिए, बेवजह घूमिए मत। गौरतलब है कि कुम्हारी थाना प्रभारी रहने के दौरान केशव राम कोसले ने असामाजिक गतिविधियों में संलग्न लोगों की गिरफ्तारी को लेकर निरंतर विशेष अभियान चलाया था, जिसका असर भी देखने को मिला। कुम्हारी में जुआ सट्टा अवैध शराब जैसे गैर कानूनी कार्य पूरी तरह से बंद रहे। जामुल थाना क्षेत्र में सट्टा खिलाने वाले और कबाड़ी का कार्य करने वाले सक्रिय हैं। अब जामुल क्षेत्र में सट्टा और कबाड़ के कारोबार पर नए थाना प्रभारी कितना अंकुश लगा पाते हैं यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।